गाइस फाइनली जो है रूटर एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू अपडेट आ चुका है, ठीक है। और ये जो अपडेट है बहुत दिनों के बाद रूटर एप्लीकेशन ने किया है, लेकिन भाई इस अपडेट के साथ आप लोगों को एक इतना कमाल का फीचर देखने को मिलेगा ना कि भाई आप लोगों का एकदम यहाँ पे मन खुश होने वाला है, क्योंकि रूटर एप्लीकेशन ने बहुत दिनों बाद अपडेट किया है तो सही है, लेकिन अपडेट के साथ एक कमाल का फीचर भी आ चुका है, ठीक है। उस फीचर का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उस फीचर का नाम है यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो, IRL लाइव, ठीक है। अब इससे जो है क्या होगा, हम लोग जो है रूटर एप्लीकेशन के अंदर इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे वो जो है आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और इससे जो है हम लोग अपने रूटर एप्लीकेशन के अकाउंट को किस प्रकार से ग्रो कर पाएंगे, किस प्रकार से हमारे जो रूटर की अर्निंग है वो इंक्रीज होने वाली है, ये फीचर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, जानेंगे सारा कुछ आज की वीडियो में। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना भी गाइस, आपको रूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने रूटर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, ठीक है। वैसे ये जो फीचर है मुझे तो मिल चुका है, क्योंकि मैं जो है रूटर एप्लीकेशन का वीटा वर्जन यूज करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मिला या नहीं मिला वो जो है आप लोग वीडियो देख के मुझे बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने रूटर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ से कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहला लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर IRL लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है, जैसे कि भाई हमें सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी टाइटल दे देना है, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल से मैं भी यहाँ पर जो है लाइव लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं सिंपल सा हिंदी ही रहने देता हूँ। बाकी जो आपकी डोनेशन लिंक होती है वो जो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके ऐड हो जाएगी, जिससे कि जितने भी व्यूवर्स आप लोगों को देखेंगे वो जो है आपको यहाँ पर सुपर चैट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, डायमंड वगैरह सेंड करवा सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स वगैरह आप लोग जो है डाल देना है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप लोग वीडियो क्वालिटी भी रख सकते हो, ठीक है, अपने इंटरनेट के हिसाब से। बाकी थंबनेल वगैरह यहाँ से एडिट कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप लोगों को फैन रैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे कि गाइस आप लोग अपने व्यूवर्स के लिए फैन रैंकिंग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोइंसाइड कर सकते हो, जितने भी आपके व्यूवर्स आएंगे उनके अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से जो है जितनी भी देर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, मतलब एक घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो आपको 500 कॉइंस यहाँ पे जो है खर्च होंगे, ठीक है। 500 कॉइंस यूज़ करके एक घंटे तक आपकी स्ट्रीम को जो है बूस्ट दिलवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो अगर आप लोग कॉइन से खर्च करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर 3x गुना रीच मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद मोर, यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अपनी स्ट्रीम को डिले भी करवा सकते हो, ठीक है। मॉडरेटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। बाकी सेट डोनेशन गोल भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऊपर जो है मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि सेट डोनेशन गोल क्या होता है, ठीक है, इसका आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप लोग वॉच करना चाहते हो तो देख सकते हो। बाद अगर आप लोग अपनी जो भी लाइव स्ट्रीमिंग करोगे उसको जो है प्रोफाइल के अंदर, रूटर प्रोफाइल के अंदर सेव करना चाहते हो, तो आपको सिंपल सा इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। वैसे आप लोगों को यहाँ पर इनेबल नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी यहाँ पर टूल्स वगैरह हैं सारे कुछ सेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके आपके जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी हमारी जो स्ट्रीमिंग है वो चालू हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ से वीडियो ऑफ कर दिया है, म्यूजिक ऑडियो यहाँ पे जो ऑडियो वाला है उसको भी ऑफ करके रखा है, क्योंकि भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो भाई आप लोगों के पास मेरी वॉइस नहीं जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग इन दोनों को ऑन करके रखना है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग करोगे, ठीक है। ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइव वॉचिंग आपकी दिखाएगा, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो देख सकते हो एक लोग यहाँ पर वॉचिंग कर रहा है, ठीक है, एक भी मेरी वॉचिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट स्पीड आ जाएगी। बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे एक कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर फ्रंट का कैमरा यूज़ करना चाहते हो या कौन सा कर सकते हो, जिसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है म्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, फिलिप भी कैमरा कर सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर शील्ड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे एक फीचर और मिल जाता है, ठीक है। आप लोग नीचे देखोगे तो प्लस के बटन से आगे यहाँ पर देख सकते हो पोल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ए पोल करके आप लोग जिस प्रकार से यूट्यूब वगैरह पे पोल करते हो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग पोल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से आप लोगों को जो भी कुछ लिखना है यहाँ पर, कोई भी टॉपिक वगैरह, उसका जो है पोल ऐड कर देना है। तो सिंपल से हमारा पोल ऐड हो चुका है, जितने व्यूवर्स आएंगे वो जो है यहाँ पर वोट करेंगे तो सारा कुछ वोटिंग दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को और मिल जाता है, ठीक है, गिफ्ट का, जिसपे कि क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके व्यूवर्स है वो अगर आपको डोनेट करते हैं तो डायमंड वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे
जो है दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी कमेंट्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोग यहाँ से जो है यूट्यूब की तरह, इंस्टाग्राम की तरह लाइव कर सकते हो। तो हम भी जो है बहुत जल्दी इसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो है रूटर एप्लीकेशन के ऊपर लाइव करूँ, तो मैंने जो अपने रूटर प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है, जिससे कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद एक फीचर आप लोगों को और मिल जाता है, कॉमेंट के आगे 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग जो है मॉडरेटर वगैरह बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी भी यूजर को ब्लॉक वगैरह भी सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोगों की स्ट्रीम वगैरह सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, इजीली कर सकते हो। उसके बाद बंद करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग को क्लोज करने के लिए आपको जो है माइक के आगे यहाँ पर देख सकते हो एक बटन दिख रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको एंड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको एंड पे क्लिक कर देना है, तो आप लोगों की जो स्ट्रीम है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये फीचर जो है अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये फीचर आप लोगों को कैसा लगा। इससे जो है आप लोगों की जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स जो आपके जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आधे घंटा लाइव स्ट्रीमिंग कर देते हो, कोइंस वगैरह बूस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको इनेबल करके, ठीक है, और फैन रैंकिंग वगैरह रख देते हो, तो आप लोग यहाँ से अच्छी खासी जो है आपका डोनेशन भी मिल जाएगा और आपके रूटर पर फॉलोवर भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। बाकी आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करके ऐसे अपने रूटर की अर्निंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।